आपको ठोकरें मिलेंगी, आपको रॉयल ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा जलील किया जाएगा। जो होती है एड ईगो सुपर ईगो, आप इसकी थ्योरी है वो आप थ्योरी होता है। ये जिस तरह आप लोग बैठे हैं ये नेचुरल नहीं है, मुझे पता है बच्चों का नेचर के अंदर ये नहीं है कि वो जो है इस तरह बैठे आराम से। मुझे पता है हर एक इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और जब आप उस बच्चे को इतना सप्रेस करते हैं, आप उस बच्चे को इतना ज्यादा जोर देते हैं, आप उस बच्चे को इतना ज्यादा, मैंने इस पे बात भी की थी एक साल पहले जब मैं आया था फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर मैंने बात की थी कि हर एक इंसान के अंदर एक खुदी होती है, एक अंदर का बच्चा होता है, एक इंसान होता है। जब आप उस इंसान को इतना मारते हैं, इतना तंग करते हैं, इतना उसे, तो वो मर जाता है। फिर उनसे बन जाते हैं ऐसे बच्चे जिनके अंदर की क्यूरियोसिटी नहीं होती। क्यूरियोसिटी क्या होता है? सवाल पूछने का जो आपका एक सवाल पूछने का जो प्रोसेस है, आपने कभी क्यूरियोसिटी को नहीं मारना। हाँ, डिसिप्लिन में और क्यूरियोसिटी में बहुत फर्क है। आप एक जगह में बैठे हैं और आप नहीं उठ रहे, ये डिसिप्लिन है। आप एक जगह में खामोशी से बैठे हैं और आप एक जगह में सवाल नहीं कर रहे, वो खामोशी नहीं है, आप उस अपने अंदर के इंसान को मार रहे हैं। So finally, once more, any questions? You should have any question? जी। जी बिल्कुल, मेरे पास सबूत है, मैं आपके लिए सर्टिफिकेट्स की पिक्चर्स लेकर आऊंगा। मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट्स है ऑफ माई जॉब एज अ कॉन्टेंट राइटर, ऑफ माई जॉब एज अ रेडियो स्पीकर, मेरे पास वीडियो फॉर्म के अंदर भी उसके सबूत है। आई हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग, और मुझे आपको कुछ भी साबित नहीं करना। मेरी तरह बनना, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ यहाँ पर, मैं भी बच्चा हूँ, हर एक बच्चे का अपना। जी जी, देखिए जी जी जी, समझना शुरू करेंगे अच्छे इंसान बन सकते। जी जी, तो स्पीकर बन सकते, मोटिवेटर बन सकते, जी जी इन्फ्लुएंसर बन सकते। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने करियर पे बात की थी आप सबसे, अगर आपको याद हो। इट्स क्वाइट इजी, हर एक बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर एक बंदे का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। आप यहाँ पर आते हैं, आप मुझसे बेहतर बन सकते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक काम से बंदा हूँ जिसने थोड़ी सी मेहनत कर ली और आज वो जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। कोई मेहनत नहीं लगती। आपका जो फील्ड है, आप उस फील्ड के अंदर जाएं और आप अपनी मेहनत करें, हो सकता है। अब मैं हूं तो जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब मेरी बहन के लिए या मेरे जो जूनियर्स हैं उनके लिए मैंने रास्ता पहले से साफ कर दिया है। रास्ता इट्स क्वाइट इजी, प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी जगहों से मिलेगा। आई कैन गिव यू द प्लेटफॉर्म, मैंने आपसे बात भी की थी, नॉट मी बट एक्चुअली माई मैनेजर, हमने आपसे बात भी की थी दैट वी आर गोना टेक यू ऑन एयर। मैंने इनसे बात की थी, इनका इंटरेस्ट है इन रूबिक्स क्यूब्स, तो हमने कहा क्यों ना हम आपको स्पॉटलाइट दे, प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं, बाकी आपका काम है कि आप कोई स्किल है आपके अंदर, कोई आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है, आप कुछ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आई कैन टेक यू विद मी, एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट अ हार्ड जर्नी, काफ़ी आसान है, इंजॉय करना है ज़िंदगी को, ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल नहीं बनाने। सख्त वक्त आते हैं, आज एक ऐसा मौका है कि एक वक्त था जब मैं ठोकरे खा कर लोगों से एक एक इंटरव्यू के लिए जो है ऐसे एक हालत होती थी कि मैं 12-12 बजे, सुबह 6 बजे उठता था, रात के 12 बजे फारिग होता था, घर कभी 1 बजे पहुंचता था। मैं इंटरव्यू सारा दिन लेता था, और मैं 3-3 महीनों 4-4 महीनों पहले से इंटरव्यूज, ऐसे मौके भी आए हैं कि मेरी एक एक लफ्ज की वजह से मेरी बड़ी बड़ी इंटरव्यूज कैंसिल हुई हैं बड़ी बड़ी शख्सियात से। आज एक ऐसा मौका है कि जब मुझसे कोई इंटरव्यू लेता है तो उन्हें महीनों पहले कहना होता है। आज जब मैं इस दफा लाहौर आया, सो आई केम फॉर अवार्ड PNY पाकिस्तान नेशनल यूथ प्रेस कॉन्फ्रेंस 24th, उसके अंदर यंग अचीवर्स का अवार्ड था, उन्होंने मुझे तीन महीनों पहले से कहा था, वरना मैं नहीं आता। सो अब हर एक बंदे का अपना टाइम आता है, बट मेहनत करनी होती है, मेहनत से गुजरना होता है, ठोकरें खानी होती हैं, आपने गिरना होता है, संभलना होता है, उठना होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, तीन चीज़ें होती हैं, एड ईगो सुपर ईगो, आप इसकी थ्योरी है वो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। सो अपने अंदर ईगो या एड रख सकते हैं, पर सुपर ईगो कभी ना डालें।
क्योंकि आपको ठोकरें मिलेंगी, आपको रॉयल ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा जलील किया जाएगा, आपको ख्वार किया जाएगा। जब आप जलील और ख्वार होंगे, आप अपने से एक बेहतर इंसान बन के उभरेंगे। सो आई गेस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए अभी तो कैमरा नहीं है, अभी पूछ ले अगर शर्म आती हो।